एक जमाने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम एमएस धोनी। एक मैच विनर, मैच फिनिशर, ग्रेट कैप्टन, ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय। जी, बट धोनी को एक हैबिट है, वो अंदर से काम नहीं रहता बट वो दिखाता है कि वो काम है। जब प्लेयर्स को पता होगा तो उसका कप्तान उसे चिक्के भी पड़े हैं, काम है, शोल्डर पे हाथ रखा है, प्लेयर को और कॉन्फिडेंस मिलता है। वो जो धोनी है वो कॉन्फिडेंस देने वाला कप्तान है। क्या बात की जाए एमएस धोनी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में बात करना सूरज को चलाव दिखाने वाली बात है। ग्रेट रिकॉर्ड, ग्रेट कैप्टन, बेहतरीन लीडर, नंबर्स इनके स्टैगरिंग। तो आज फिर नजारे एमएस धोनी के, 9 गेंदों पे 28। बस कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, उनके अल्फाज उनकी शान बयान नहीं कर सकते, और उनमें से एक खिलाड़ी एमएस धोनी। मिस बाय, लेट्स टॉक अबाउट दैट बैटिंग एज वसीम वाज सेइंग। केएल राहुल रियली स्पेशल टुडे। स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ये है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा बजा दिया, पकड़ के महेंद्र सिंह धोनी ने माही मार रहा है। मतलब ये बंदा 42 इयर्स का है, 42 साल का ये बंदा है, किसी को मुझे यकीन करो, मैं आज फिर एमएस धोनी आया एंड पे, आज फिर उसने लखनऊ के बॉलर्स का पकड़ के घंटा बजा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार मैच के ऊपर। हम आज जंप करेंगे एक हार्ट स्टॉपिंग आईपीएल 2024 के क्लैश बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। मैच में सब कुछ था, केएल राहुल की जीनियस क्रीज पे, एमएस धोनी का फायरवर्क सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है अभी धोनी के इनिंग्स के ऊपर, टोटली स्पेल बाउंड। सो ग्रैब योर स्नैक्स एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू आर एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं केएल राहुल की इनिंग्स के ऊपर। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ने कुछ नहीं बट एक मैजेस्टिक इनिंग्स और मैग्निफिकेंट 82 बनाया है 53 डिलीवरीज में। His innings was not about just runs, it was a statement of intent, a captain's leading by example. Moving on to the icon, the legend, MS Dhoni. Even in the twilight of his career, Dhoni proved he is still the king of the jungle. When it comes to the finishing game, blasting 28 runs off mere 9 balls, his onslaught was a spectacle to behold. Remember that 6 sailed over the keeper. Absolute wizardry. Moments like this why Dhoni remains an eternal fan favorite. And what about the reaction from across the border? The Pakistan media were just as stunned as the rest of us, witnessing such masterclass performance from this cricket legend is a joy for any true fan of the sport. No matter where are you from, the game of cricket knows no borders, and it's heartwarming to see universal respect of exceptional talent. अब KR राहुल ने आज रन्स किए, जिस तरह डिकॉक ने भी रन्स किए, मगर इनका 100 पे कोई आउट ही नहीं था। 100 पे जब इनका कोई आउट नहीं था, मुझे लग रहा था कि भाई ये 10 विकेटों से फेल जाएंगे ये। और जिस तरह CSK ने बैटिंग की, 1871 ने कर दिया था समथिंग, मुझे लग रहा था कि ये मैच फंसेगा। वो KR राहुल का भी मुझे कोई आस नहीं था लग रहा कि KR राहुल रन करेगा या नहीं करेगा, मतलब इतना कोई खास लग नहीं था रहा। CSK इस मुकाबले में आप कह रहे हैं कि उनको शिकस्त हुई है, लखनऊ सुपर जॉइंट जो चेस कर गया, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है कि जो MS धोनी जिस तरह से जो आज बैटिंग करने के लिए आए हैं, लास्ट में जिस तरह MS धोनी ने आके वो कमाल किस्म का, आप कह रहे हैं कि गियर चेंज किया है, कमाल किस्म की जो है MS धोनी ने जो बैटिंग की है उसका बड़ा मजा आया जी। 9 बॉलों पे 28 रन जो MS धोनी ने दे मारे हैं, 2 छक्के 3 चौके, बहुत ही कमाल किस्म की आप कह रहे हैं सुपर बैटिंग की है। आज फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स ने CSK को जो शिकस्त दे दिया, बड़े ही जो है वो कमाल की आज जो लखनऊ की जानब से बैटिंग देखने को मिली है, स्पेशली KL राहुल की जानब से और साथ में डीकॉक की जानब से। डीकॉक जब आउट हुए तो वो ऑलमोस्ट जो है वो ये मैच जो है वो LST की झोली में डाल ही चुके थे। यार क्या मैच हुआ आज का, आज के मैच में जो है वो लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग, मतलब आपको धोनी की बैटिंग भी देखने को मिल गई है, आपको KR राहुल पुराना भी देखने को मिल गया, वो KR राहुल जिसको हम जानते थे, MS 43 ईयर्स और बंदे में अभी भी दम है, शेर अभी भी दाड़ना छोड़ा नहीं है शेर ने, शेर अभी भी सबसे बेहतर है, उससे बेहतर विकेट कीपिंग कोई नहीं करता, उससे बेहतर बैटिंग कोई नहीं करता, उससे बेहतर क्रिकेटिंग माइंड किसी का नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बैट्समैन नहीं, विकेट कीपर नहीं, प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस। इसमें विकेट कीपर भी आ जाता है, इसमें बैट्समैन, इसमें फिनिशर, इसमें सब कुछ आ जाता है। विक्ट्री फॉर LSG मच नीडेड थी, बहुत जरूरी था, हालांकि वो जो धोनी ने एंड पे स्कोर किए थे वो मेरा ख्याल था थोड़े खतरनाक हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैक्सिमम ये 17.5-18 ओवरों में इन्हें मैच खत्म करना चाहिए, 134 15 ओवरों में अगर बन रहा है
वो राहुल के बैट पे अच्छा बॉल आ रहा था, इसीलिए 33/50 उसका 41/50। बट व्हाट अ मैच यार, सीएसके थोड़ा सा अनलकी रही, बट इट्स ऑल अबाउट एमएस धोनी। रिमेंबर द नेम यार, माही मार रहा है, माही मार रहा है, और माही अभी तक मार रहा है यार। ये शेर कभी बूढ़ा नहीं हो रहा। लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये तो इंटरनेशनल का मटेरियल है यार, इसने रिटायरमेंट क्यों ली हुई है, माही को तो इंटरनेशनल टीम में लाओ भाई। आप राहुल के पीछे भाग रहे हो, आप पंत के पीछे भाग रहे हो, आप ईशान किशन के पीछे भाग रहे हो, असल आने वाला बंदा तो एमएस धोनी है यार। अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कोई 5-6 बॉलें 8 बॉलें जो भी वो खेलते हैं, तो वही हमें जो है पूरे मैच का मजा उसी चीज के अंदर होता है। वो 5-6 बॉलें जिसके अंदर आकर एमएस धोनी जो है वो छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, पूरा क्राउड जो है उसको बड़े मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, तो यही चीज हमें जो है देखने को मिलती है। और हम यही चाहते हैं कि एमएस धोनी इसी तरह एंड पर आकर जो है इसी तरह मैचेस को फिनिश करें, इसी तरह छक्के लगाएं, चौके लगाएं। के एमएस धोनी का नाम माही अमीन नाम नहीं रखा, एमएस धोनी थाला उसको अमीन ही कहते हैं, थाला तो इसलिए तो उसका नाम उसका मशहूर है। और माही आपको पता है पूरा माही 42 साल का माही जो है लगता भी 42 साल, 25 साल का लड़का लगता है जिस तरह खेलता है। यही बोलूं कि इस आईपीएल का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर, जो सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस प्लेयर नजर आता है, वो अलग बात है कि वो बोले खेलने नहीं आते, क्या ऋतुराज गायकवाड़ उनको नहीं भेजते, क्या वो खुद अपने आप को प्रमोट नहीं करते, वो 100 रीजन होंगे कि वो क्यों नंबर 8वें नंबर में क्यों आते हैं, 6 आउट में क्यों आते हैं। रिजवी भी उसके ऊपर आया, मोइन अली भी उसके ऊपर आया, और रिजवी 5 बॉले खेल गया, मोइन अली 20 बॉले खेल गए, वो बातें अलग है, वो चीजें सब अलग है। लेकिन जो बॉले देखो, अगर आप मैच देखो, अगर आप आईपीएल के मैचेस देख रहे हो, तो आप इस बात पे नहीं कतराओगे कि इस पूरे आईपीएल का मोस्ट जो इंपैक्टफुल प्लेयर है, हाईएस्ट, ये अगर आप देखो नॉक भी बता रही है और स्टैट भी बता रहे हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, इस आईपीएल का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अगर किसी बल्लेबाज का है तो महेंद्र सिंह धोनी है भाई। लेकिन के राहुल ने इस आईपीएल में यह बताना था कि मैं वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट चॉइस हूँ, मुझे वर्ल्ड कप में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। आपने देखो दिनेश कार्तिक ठीक है यार, अच्छा कर रहा है वो, लेकिन आपके वो लंबे प्लान्स में शामिल तो नहीं ना, के आर राहुल आपके लंबे प्लान्स में शामिल है, ये आगे इंडिया की क्रिकेट को लेके जाएगा। के आर राहुल की मैं बात कर रहा हूँ, तो के आर राहुल का रन्स करना बड़ा ज़्यादा जरूरी था। और देखो रन्स तो वो कर ही रहा था, लेकिन वो 125 के स्ट्राइक रेट, 130 का स्ट्राइक रेट जिस तरह ये घंटा करता है, तो वो वाला काम नहीं था। और आज भी 300+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब खेल रहे हैं जिस तरह से। अच्छा मजे की बात है, लखनऊ में मैच था भाई, उससे पिछला वाला मैच जब हार्दिक पांड्या को उन्होंने तोड़ा था फोड़ा था, वो वखेड़े मुंबई में था, और मुंबई वही वाला स्टेडियम है जहां पे 2011 में श्रीलंका अगेंस्ट धोनी ने छक्का मार के इंडिया लिफ्ट आईसी वर्ल्ड कप, 2011 का जो वर्ल्ड कप लिफ्ट किया आफ्टर 24 ईयर्स, वो जो हाइप बनी थी, वो जो चीजें चल रही थी, वही वाली अगर आप चीज देखोगे तो वो उसी वेन्यू में मारा था, वो था मुंबई, और वहां पे सारा मुंबई के क्राउड ने मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया था, और धोनी सीएसके में घुस गए थे। आज लखनऊ में था, इवन लखनऊ मैच जीत गया, लेकिन सब ने लखनऊ छोड़ दिया, और सारे जो थे घुस गए वो धोनी घुस करना शुरू हो गए, और टोटल जो सीन चल रहा था वो धोनी और जो क्राउड था वो धोनी के पीछे पागल हुआ हुआ था। वो भूल गया कि हमारी सीएसके नहीं है भाई, हमारी टीम लखनऊ है, लखनऊ सुपर जायंट्स हमारी टीम है, हमारा कप्तान के राहुल है, इवन राहुल ने भी बड़ा अच्छा खेला आज, बड़ी जबरदस्त और आराम से कैलकुलेटेड इनिंग खेली और मैच भी जितवा दिया। और केएल राहुल ने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की आज, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और आज ऐसा लगा कि वाकई में ये वही केएल राहुल है जिसके हम जो है फैन है, क्योंकि केएल राहुल ऐसी बैटिंग जो कभी कभी करते हैं, जब ये अपने का रिदम में होते हैं ना, तो ये बहुत कमाल के स्टाइलिश जो है बैटिंग करते हैं, और आज फिर केएल राहुल ने वैसी ही बैटिंग की और लखनऊ को ये मैच जिता दिया। लेकिन आज के दिन एक और नाम जो है वो ट्रेंडिंग पे है इस टाइम, और वो नाम आपको मालूम है, जब सीएसके का मैच होता है तो वो एमएस धोनी के अलावा कोई नाम होता नहीं है, एमएस धोनी आज फिर अपनी बैटिंग की बदौलत जो है वो फिर जो है ट्रेंडिंग पे है भाई। अगर देखा जाए तो 9 बॉलें 28 रन्स 3 चौके 2 छक्के, बल्कि जो है वो अगर देखा जाए 311 का स्ट्राइक रेट एमएस धोनी का, और आप देखें 300 से कम आ ही नहीं रहे, लास्ट मैच में 500 का स्ट्राइक रेट एमएस धोनी का था, इस मैच में 300 का स्ट्राइक रेट एमएस धोनी का। और एमएस धोनी का जितना क्रेज मैंने देखा है ना भाई, इतना मैंने अपनी लाइफ में किसी खिलाड़ी के लिए नहीं देखा है। एक बंदा जो 10 से 12 बॉलें खेलने के लिए छोड़े चले, 4 बॉलें खेलने के लिए मैदान में आता है और पूरा मैदान जो क्राउड सर पे उठा लेता है। ठीक है आपका, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मोइन अली को सिर्फ 1 ओवर दिया, हालांकि उसने ठीक ठाक ओवर किया, 5 रन कोई बहुत ज्यादा रन नहीं होते, और जब आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन विकेट ही ना आ रही हो तो। और अच्छा मूव था कि पूरन को देखे जो छक्का, हालांकि पत्नी राणा को छक्का भी पड़ा,
12 रन का ओवर भी गया, फिर भी 4 ओवर 29 रन और 1 विकेट। यानी कि पत्ती राणा जो है इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज मोइन अली ने देखे गेम चेंजर था। और अब लोग कहेंगे जी के धोनी बस ठीक कर रहा है, लेकिन अगर धोनी थोड़ा ऊपर आए, लेकिन जिस दिन आप जीतेंगे उस दिन तो सारी बातें अंडर द कार्पेट जाएंगी, जिस दिन आप हारेंगे तो लोग तो ये आग बचाने को होंगे कहने, देखे भाई क्रेज है, ग्राउंड उछल पड़ता है, दुनिया बाहर निकल आती है, तो क्या वो अगर ये 20 बॉलें पहले आएगा तो दुनिया अंदर घुस जाएगी या दुनिया बाहर नहीं आएगी, क्रेज कम हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो कहने का मकसद है धोनी साहब को और जो भी इनके अंधे भक्त हैं उनको ये सोचना चाहिए, जरा सा गौर करना चाहिए। इफ अ पर्सन कैन टर्न 1 into 2, कैन कैप फॉर 20 ओवर्स, कैन रन लाइक अ डियर, हिरन की तरह चीते की तरह भाग सकता है, तो वो अगर 12-15 बॉले 20 बॉले पहले आ जाएगा, आप यकीन करें वो CSK के लिए इट विल मेक हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। अदरवाइज वो आपने मिड इनिंग्स में एक लफ्ज कहे थे जो मेरे दिमाग में चिपक गए कि ये आएगा स्कोर करेगा 15-20-18-10, क्राउड खुश हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन रिजवान एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हार जाएंगे तो आप किसकी जबान को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। आज के मैच में भी देखें 34 बॉल्स में जडेजा की 50 आई है, बाकी आपके सामने ही है। मतलब आप केमियूज चेक करो यार, फुल स्ट्रेंथ इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप यार, वो लड़के पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हार्दिक पांडे ऐसे उछल कूद के आता है कि भाई MS धोनी बूढ़ा हो गया है, शायद मैं इस पे ओवर निकाल के अपने स्टेट्स अच्छे कर लूं, बट वो बंदा आगे से जिस तरह से पीटता है ना कि भाई इनको याद आ जाता है यार। आप आज देखो यार, मैं पिछले मैच की बात नहीं करूंगा, मैं पहले मैच की बात नहीं करूंगा, मैं आज की बात कर रहा हूं। आप 9 बॉलों पे 28 रन यार, 2 छक्के 3 चौके, और वो जो सामने वाला छक्का था ना उसने तो मेला लूट लिया यार, 311 का स्ट्राइक रेट यार, ये बंदा क्या कर रहा है अपने लास्ट सीजन में। CSK मैच हार गई है, बुरी तरह CSK हार गई है, बट कोई ऐसा CSK का फैन नहीं है जो दुखी हो, क्योंकि माही मार रहा है, माही की कारिस्तानियां हमने देख ली हैं, माही का हुनर हमने देखा है, ये जाता जाता MS धोनी का एरा मुझे तो हर मैच में रोला देता है यार। मैं तो MS धोनी का इतना बड़ा फैन हूँ, मुझे तो मैचेस देखा ही नहीं जाता है MS धोनी की बेटे, तो मुझे पता है मैंने रो देना है खुल के, क्योंकि MS धोनी का आखिरी सीजन है, आखिरी MS धोनी की बैटिंग है, फिर हमें ये चमकता सितारा इंडियन क्रिकेट का, दुनिया एक क्रिकेट का, हमें बैटिंग करता हुआ नहीं मिलेगा। मतलब फिनिशर, द ग्रेट कैप्टन, द ग्रेट माइंडसेट, ये याद रखे कि दुनिया के अपने करियर के आखिरी IPL में भी हार्दिक पांड्या बोल रहा था उनके पास एक बंदा है जो विकेट के पीछे होता है जिसका नाम MS धोनी है। व्हाट अ गेम, व्हाट अ नाइट, KL Rahul Swift 82 and MS Dhoni's explosive 28 of 9 are etched in our memories forever. Matches like this are the reason that the IPL is adored globally. If you loved our reaction and want more such amazing content, smash that like button, share this video with your all friends, sure to subscribe to our channel so that you don't miss out on any of our future videos. And remember, keep the love for the game alive. We will see you in the next one. Peace out.